आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, ये दुनिया भर में एक चर्चा का कारण बना हुआ है। और कई विद्वानों की अगर हम लोग बात माने तो उनका ऐसा भी मानना है कि तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रहा है, या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है दुनिया को। तो आज हम लोग रूस के और यूक्रेन के इतिहास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग मैप पर भारत, रूस और यूक्रेन की अवस्थिति देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए। अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, हमारी बारी कितनी है, और इसमें आप देखेंगे एशिया में हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा, और अपने पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ आप देखेंगे चाइना। और आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऊपर आप जाएंगे एशिया में तो आप देखेंगे रूस, और आपको बता दूं रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे मॉस्को इसकी राजधानी है, और इसकी यही आप देखेंगे यूरोप में आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी कीव है। और आपको बता दूं 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, और आप सभी जानते होंगे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। उसके बाद आप देखिए रूस अलग हो चुका था और बाकी देश आपके अलग हो चुके थे। बाकी देशों में आप देखेंगे यूक्रेन भी शामिल था, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी क्या हुआ कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के दो हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और इन्हें यूक्रेन के दो क्षेत्रों को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी थी। और जब ये मान्यता दी गई तभी से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो चुके थे कि दोनों के बीच युद्ध हो सकता है। और अपनी युद्ध घोषणा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन साहब ने यूक्रेन को बिना किसी इतिहास या पहचान वाले देश के रूप में वर्णित किया था कि इसकी कोई पहचान नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है, ये पहले पूर्वी वर्ती जो भी सोवियत संघ था ना, यूएसएसआर, इसका हिस्सा हुआ करता था, इसी से अलग करके बनाया गया था। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। और अगर आप लोग स्थिति देखें यूक्रेन की तो आप देखेंगे कि यूक्रेन के इस हिस्से में जो जनसंख्या रहती है उसका काफी जुड़ाव रूस से रहता है, और आप देखेंगे रूसी भाषा भी बोलते हैं, रूस से आप देखेंगे इसके सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते रहते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं रूस का काफी ये आप देखिए सपोर्ट भी करती है यहाँ की जनसंख्या, समझ रहे हैं। अगर हम लोग यूक्रेन के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो तकरीबन एक सहस्ताब्दी पूर्व वर्तमान यूक्रेन कीवियाई रूस के केंद्र में हुआ करता था, और कीवियाई रूस पूर्वी एवं उत्तरी यूरोप में पूर्वी स्लाव बाल्टिक फिनिक लोगों का एक संघ हुआ करता था। जिसकी राजधानी की बात करें तो हम देखेंगे कीव इसकी राजधानी हुआ करती थी, और आधुनिक यूक्रेन, रूस और बेलारूस सभी का सांस्कृतिक इतिहास कीवियाई रूस में मौजूद है। और आप देखेंगे 10वीं और 11वीं शताब्दी में अगर आप जाए तो कीवियाई रूस अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच गया था, और 13वीं शताब्दी के मध्य में आप देखेंगे वाइजेंटाइन साम्राज्य के पतन के कारण व्यापार में आई गिरावट की वजह से कीवियाई रूस काफी कमजोर हो गया था, और अंततः आप देखेंगे मंगोल गोल्डन होर्डे के हमले के कारण पूरी तरह से बिखर गया था, जिसके बाद आप देखेंगे 1240 में कीवियाई रूस को बर्खास्त कर दिया गया था। फिर आप देखेंगे वाइजेंटाइन साम्राज्य से आप लोग बाइजेंटियम भी कहते हैं, रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग तथा कॉन्स्टेंटिनोपल या आप लोग कुस्तुनिया आधुनिक इस्तांबुल में स्थित था, साम्राज्य में पश्चिमी आधे हिस्से के पतन के बाद यह भी उसका हिस्सा बना रहा। इसके बाद आप देखें अगर तो गोल्डन हॉर्डे स्थाई मंगोलों का एक समूह हुआ करता था, जिन्होंने 1240 से लेकर आप देखेंगे 1502 तक रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मल्डोवा और काकिसस पर शासन किया था। किसने? जो मंगोला का एक समूह था गोल्डन हॉर्डे, इसने, ठीक है, उसमें आप देखेंगे यूक्रेन पर भी शासन किया था। फिर आप देखेंगे 15वीं शताब्दी में अगर आप देखें शुरुआत में तो पूर्व क्यूआन रस के बड़े हिस्से को लिथुआनिया के बहुनिजातीय ग्रैंड डची में शामिल किया गया था। फिर आप देखेंगे 1569 में, 1569 में अगर आप जाए तो ल्यूब बेलेस्की संघ और पोलैंड लिथुआनिया के ग्रैंड डची पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल बनाने के लिए एक साथ आए, जो उस समय यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक था उस समय।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रख सकते। इस घटना के लगभग एक सदी बाद आधुनिक यूक्रेनी राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। अगर अभी आप लोग अगर यूक्रेन की बात करें तो आप देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, आप देखेंगे तो पूर्वी यूरोप में देखने को आपको मिलेगी। कहां? पूर्वी यूरोप में। और इसकी राजधानी आपको बता चुका हूं कि कीव इसकी राजधानी है, जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिए, कई बार क्या होता है कि पूछ लेता है यूक्रेन की राजधानी किस नदी के तट पर बसी हुई है, तो आपको देखना चाहिए नीपर नदी के। यूक्रेन की सीमा उत्तर में आप देखेंगे बेलारूस, पूर्व में रूस, अजोव का सागर, और दक्षिण में काला सागर, और दक्षिण पश्चिम में मालडोवा, रोमानिया, तथा पश्चिम में आप देखेंगे हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से लगती है। क्या होता है कई बार आपका सिविल सर्विस में, कई बार स्टेट पीसीएस में, कई बार वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से देश से यूक्रेन की सीमा नहीं लगती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्या काला सागर से यूक्रेन की सीमा लगती है। तो इनके बारे में भी जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख लिया करिएगा। सुदूर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन को केर्च जलडमरू द्वारा रूस से अलग किया जाता है, जो अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो ये भी याद रखिए, रूस को यूक्रेन से, रूस और यूक्रेन के बीच आप देखेंगे कौन सी जलडमरू आपको देखने को मिलेगा, केर्च, ठीक है। और यह रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 603,550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं कि महाद्वीप का लगभग 6% हिस्सा है, ठीक है। और आपको स्थिति दिखा चुका हूं इसमें, यहां भी आप लोग देख सकते हैं यूक्रेन, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा रसिया। और यहाँ की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जुलाई 2021 में यूक्रेन की जनसंख्या आप देखें तो 43.7 मिलियन आंकी गई थी, और इसमें से आप देखेंगे 77.8% यूक्रेनी निजातीयता और 17.3% रूसी निजातीयता से संबंधित थी। यूक्रेनी और रूसी भाषियों की आबादी आप क्रमशः अगर आप देखेंगे तो 67.5%, और रूस की अगर बात करें रूसी भाषी लोगों की तो 29.6% देखी गई थी। और अगर हम लोग यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें यूक्रेन की, तो सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश है, और यहाँ लोहे, अयस्क और कोयले के भंडार मौजूद है, और यहाँ मक्का, सूरजमुखी तेल, लोहे उत्पादों और गेहूं का निर्यात करता है, यानी कि बेचता है दूसरे देशों को, उससे पैसा कमाता है। भारत के साथ संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। यूक्रेन के सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक है भारत, यानी कि हम लोग क्या करते हैं यूक्रेन का जो बेचता है सूरजमुखी तेल उसका हम लोग खरीद करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अकार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक व रसायन भी खरीदते हैं भारत से। यूक्रेन को अगर प्रमुख आयातक बात करें तो फार्मास्यूटिकल उत्पाद का हम लोग निर्यात करते हैं। किसे किसे करते हैं? यूक्रेन को, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग यूक्रेन और रूस की बात करें तो आप देखेंगे 18वीं शताब्दी में रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने पूरे जातीय यूक्रेन के क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में मिला लिया था, और रूसीकरण की जारिस्ट नीति द्वारा यूक्रेन वासी सहित जातीय पहचान और भाषाओं का दमन किया गया था। रूसी साम्राज्य के भीतर हालांकि कई यूक्रेनियन समृद्धि और महत्व के पदों पर पहुंच गए तथा बड़ी संख्या के में रूस के अन्य हिस्सों में बस गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप देखें 3.5 मिलियन से अधिक यूक्रेन वासियों ने रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़ा था, और एक छोटी सी संख्या ने ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ जार की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये पहले विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक आपने देखा हो, सुना भी होगा। अगर हम लोग यूक्रेन का यूएसएसआर का हिस्सा बनाने की बात करें तो आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण जार साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों का अंत हो जाता है, और मुख्य रूप से कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाली यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, और जिसमें कई छोटी यूक्रेनी राज्य उभरे। 1917 की अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविकों की सत्ता में आने के कई महीनों के बाद एक स्वतंत्र यूक्रेनी पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई, लेकिन सत्ता के विभिन्न दावेदारों के बीच गृह युद्ध जारी रहा, जिसमें यूक्रेनी गुट, अराजकतावादी जार साम्राज्य और पोलैंड शामिल हो गए। वर्ष 1922 में आप देखेंगे यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आप लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं,
इसका हिस्सा बन जाता है, कब 1922 में। पर आप सभी जानते हैं कि 19 यूएसएसआर का पतन होता है आगे चल के, और इससे अलग होकर आप देखेंगे यूक्रेन बन जाता है। तो वर्ष 1991 की बात है कि यूएसएसआर को समाप्त कर दिया गया और यूक्रेन में आजादी की मांग कुछ वर्ष पहले से बढ़ रही थी, और 1990 में आप देखेंगे 3 लाख से अधिक यूक्रेन वासियों ने स्वतंत्रता के समर्थन में एक मानव श्रृंखला बनाई थी। और इसके बाद आप देखिए कि ग्रेनाइट की क्रांति हुई जब यूक्रेन के छात्रों ने यूएसएसआर के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर ना करने की मांग की। फिर आप देखेंगे 24 अगस्त 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव को हटाने और कम्युनिस्टियों की सत्ता में बहाल करने के लिए तख्ता पलट की विफलता के बाद यूक्रेन की संसद ने देश की स्वतंत्रता हेतु अधिनियम को अपनाया। इसके बाद आप देखेंगे संसद के प्रमुख लियोनिद क्राओचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे दिसंबर 1991 में बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ की सदस्यता त्याग कर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIA का गठन किया। और हालांकि आप देखेंगे यूक्रेन की संसद वेरखोवना राडा ने कभी भी परिग्रहण की पुष्टि नहीं की, और इसलिए आप देखेंगे यूक्रेन कानूनी रूप से कभी भी CIS का सदस्य नहीं था। क्या नहीं था? सदस्य नहीं था। अगर हम लोग हाल में ही आप देखें रूस यूक्रेन संघर्ष का हालिया इतिहास देखें, तो आप देखेंगे वर्ष 2014 में रूस ने जल्दीबाजी में जनरल संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर लिया था, और यह एक ऐसा कदम था जिससे पूर्व यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। हाल ही में आपने देखा होगा यूक्रेन द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संगठन की सदस्य ग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था। जो नाटो एक आप देखिए संगठन है, इसमें आप देखेंगे शामिल अभी यूक्रेन शामिल नहीं है, लेकिन इसने क्या किया कि इससे तेजी इसमें प्रक्रिया में शामिल होने की तेजी हो चुकी थी। तो रूस को ये भी लगता था कि अगर नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो उसके पास आप देखेंगे एक तरह से आप देखिए उसे भी आप देखिए एक तरह से आप कह सकते उसे भी आप देखेंगे खतरा एक तरह से आप कह सकते हैं दिखने लगता। और आप देखेंगे कि नाटो में जो भी देश शामिल हो जाते हैं अगर उन पर किसी भी देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि पूरे नाटो सदस्यों पर हमला है, और फिर वो नाटो की जो सेना होती है वो मिलकर युद्ध लड़ती है। और इसलिए आप देखे होंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने एक आप देखा होगा कि एक इंटरव्यू या फिर आप कह सकते हैं भाषण दिया हुआ है, बोला हुआ है कि अभी नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं है इसलिए हम अपनी सेना नहीं भेज सकते। ठीक है, रूस द्वारा इस तरह के कदम को रेड लाइन घोषित किया गया, और अमेरिका के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन का अपने देश की सीमा के करीब विस्तार के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की है, और यह रूस यूक्रेन के बीच वर्तमान युद्ध का कारण भी बना हुआ है। अभी आप सभी जानते हैं कि युद्ध चल भी रहा है और किस तरह से चल रहा है आप सभी जान रहे हैं, लेकिन दुनिया को डर इसी बात का है कि थर्ड वर्ल्ड वार में ना बदल जाए और बहुत जल्दी खत्म हो जाए। देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है।